मैं चाहता हूँ कि पहले आप इन्हें देखो। आधी रोटी तो भाई साहब ही खा गए हैं। नया हमारे को तो मीठा खा रहे हैं। बताओ यार। वुल्फ्स के बीच में देखो क्या होता है। देखो खाना एक रिसोर्स है और डॉग्स के लिए ऐसा कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है कि उसे इतने बजे ये चीज मिलेगी। हो सकता है अगले 7 दिनों तक उन्हें कुछ भी ना मिले, तो पहले कौन खाएगा? पैक लीडर। और अगर कोई उसे खाना खाती बार तंग करता है तो इसका मतलब है कि वो उसकी अल्फा पोजीशन को चैलेंज कर रहा है, जिसके रिस्पॉन्स पे वहां पे लड़ाई होगी। इस बिहेवियर के बारे में बात करते हुए कि जब आप खाना खा रहे हो तो आपको तंग करना, आपकी प्लेट पे आना मुंह मारने, आपको इस तरह से देखना, खाने के लिए चीखना चिल्लाना, उसके लिए नाचने लग पड़ना, इसके सॉल्यूशन के तौर पे ये वीडियो है। तो चलो शुरू करते हैं। जब भी खाना है आप उसे खाना दे रहे हो, आप अपने लिए खाना बना रहे हो, तो उस केस में टेरिटोरियल हो जाओ खाने के प्रति कि वो खाना आपका है, और अपनी स्पेस की डिमांड करो कि अब कोई मस्ती मजाक नहीं, किसी भी तरह का खेल कूद उस टाइम पे नहीं। आप खाने को हाथ में लेके, खाना मिलेगा तुझे, चलो 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 जल्दी जल्दी आ जाओ, ये सब हरकतें नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप ये कर रहे हो तो आप उसे उकसा रहे हो कि वो फिर उस तरह का बिहेव करे खाने के साथ, और उसे नहीं पता क्योंकि आप उस जोन में थे। अब आप खाना खाने बैठ गए हो लेकिन वो उसी जोन में है, तो वो फिर बदतमीजी पे आएगा। साथ ही उसके अपने डॉग की तरफ आंखों में आंखें मिला के नहीं देखना। एक डॉग जो खाना खा रहा है, अगर उसने दूसरे डॉग को आंखों में आंखें डाल के देखा, वहां पे लड़ाई होगी। लेकिन अगर खाना हाथ में देखे, चाहिए आपके अपने लिए भी है, इसे लेके अगर आप ऐसे ऐसे देखते जा रहे हो उसकी तरफ, तो ये फिर उसे क्या अगेन बताएगा कि आप चाहते हो कि वो इसकी तरफ आए, शायद ये खाना उसी के लिए है। तो इस तरह से आप कंफ्यूज मत करो अपने डॉग को। अब क्योंकि ये यहां पे बैठा है, आपने अभी देखा नहीं होगा लेकिन ये मेरी साइड देख रहा है, मेरे को ये पता चल गया, लेकिन मैं डायरेक्टली इसकी तरफ नहीं देख रहा हूं। मेरे हाथ में खाना है और चिकन की स्मेल, आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि किचन की चिकन की स्मेल पूरे घर में फैलती है, लेकिन मेरा इस तरह से बिहेव करने की वजह से मैं इसे ये बता रहा हूं कि ये खाना जो भी है वो इसके लिए है ही नहीं। अल्टीमेटली ये खाने यही वाला है लेकिन ये इसके लिए नहीं है। अब मैं इसे बिना इसकी तरफ देखे मैंने इसको खाना यहाँ पे रख दिया। ये जरूरी है क्योंकि आपको टेरिटोरियली बिहेव करना है, इससे वो समझेगा कि ये जो खाना है वो आपका है, और ये फिर अपनी अगली स्टेज पे नहीं जाएगा कि आपके पास आके बैठ जाना या फिर खाने के लिए चीखना चिल्लाना, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे मैनेज करना है। तो शांति से, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने खाना यहाँ पे रख दिया है, ये मेरा है, ये मेरा है, और कोको यहीं बैठा है, ये दिख रहा है। अब ये इस तरह से रिलैक्स स्टेट है ये, और अब आप आराम से बैठ के अपना खाना खा सकते हो बिना आपके डॉग के आपको परेशान किए। कोको जाओ, आ जाओ, ऐसे मत इनवाइट करना, मैं तब तब कर रहा हूं ताकि एंगेज हो। आ इधर इधर आओ, यहां पे खाना रखा मैंने टेबल पे, ये देखो। आप देख रहे हो मुझे कि मैं इससे इसकी तरफ देख नहीं रहा हूं, इससे बात नहीं कर रहा हूं उस तरह से। क्या है कि मैं अपनी स्पेस डिमांड कर रहा हूं कि मुझे भाई स्पेस चाहिए। अगर ये घुसने की कोशिश करेगा इसके अंदर, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि सेपरेट तरीका है उसको मतलब अच्छे से करेक्ट करने का, वो मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम मैंने अच्छे समझाया, क्योंकि उसके लिए आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, राइट। छोटी छोटी टिप्स काम नहीं आएगी, बट सिंपल वर्जन उसका देता हूं कि अगर यहां आगे घुस रहा है, इधर यहां पे हो, ये जानता है इसलिए रिस्पेक्ट दे रहा है। ये अगर डॉग अंदर घुस रहा है खाने के लिए, लीश ले लो इस तरह से, और इसको इसकी जगह पे जाके बिठा दो। चलिए बैठो ऐसे, सिंपल। एक और तरीका है, आ जाओ यहां पे। इस तरह से फॉर एग्जांपल अगर डॉग पास आ रहा है आपके खाना खाती बार, तो आप क्या कर सकते हो कि मेरे केस में मेरा इसको देखना ही इसको यह बता देता है कि इसे आगे नहीं बढ़ना अभी से ज्यादा, इट्स अ चैलेंज। लेकिन अगर आपका डॉग नहीं समझ रहा अभी के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, देखो आपको इस तरह से करना है कि पीछे जाओ, पीछे जाओ, चला गया,
और स्पेस दे दिया। आप चाहते हो कि ये और पीछे जाए? पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे। इस तरह से आप खड़े हो सकते हो और अपनी प्रेजेंस बताने के लिए इसको पीछे भेज सकते हो। एक चीज जो कभी भी नहीं करनी है, जो लोग सब, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जैसे ही डॉग आपके पास आया आप ये करो, नो, नहीं, नहीं, इसका ध्यान इसके ऊपर है। तो अगर आपने इसको यहां कर दिया तो आपने उसकी जो इंटेंसिटी है उसको और बढ़ा दिया। जब वो यहां फोकस कर रहा था, अब आप उसको मजबूर कर रहे हो कि वो आगे आए इसकी तरफ, आपके ऊपर चढ़े खाना खाती बार। तो ये नहीं करना है, कभी भी नहीं। क्या करना है कि इसको यहां पे रखना है इस तरह से, चाहे अगर वो बढ़ भी रहा है, और इसे पीछे करना है, चाहे लीश का यूज करके या फिर पीछा इस तरह से। ये चीज डॉग को छेड़ने के लिए, डॉग को परेशान करने के लिए नहीं, ये चीज एक मतलब के लिए होती है, क्योंकि ये मजाक नहीं हो रहा है, राइट? डॉग जब खाने के साथ होते हैं तो वो मजाक के मूड में नहीं होते। रॉक्सी एक रॉटविलर, उसकी यहां से लार गिरने लग पड़ती है, इस तरह से पानी आ रहा है उसके मुंह में। ये जो पानी आता है, ये इसका मेन रीजन यही है कि एक्साइटमेंट लेवल इतना ज्यादा है कि डॉग रुक नहीं पा रहा है। उसे पता है कि उसे खाने को मिलेगा, उससे इंतजार नहीं हो पा रहा है। ये इसीलिए क्योंकि सिट डाउन स्टे, खाना नहीं खाना, ये तो कमांड्स से आपने सिखा दिया उसे, लेकिन ये समझ कि ये खाना आपका है और आप इस सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हो, आप इंचार्ज हो, आप पैक लीडर हो, ये उसे नहीं पता, राइट? वो अपने उसी जोन पे। बेस्ट चीज आप क्या कर सकते हो कि चुपचाप अपना खाना खा रहे हो, बिना उसकी तरफ देखे, बिना उससे बात की, जैसे कि मैंने पहले बोला, सीरियसली इस तरह से। इससे आप उसे क्या बता रहे हो कि ये खाना आपका है। अगर आप खाते खाते उसे देख रहे हो अब आप उसे क्या बता रहे हो? सबसे पहली बात तो आप उसे चिढ़ा रहे हो, दूसरी चीज आप उसे क्या बता रहे हो कि आप चाहते हो कि वो उस खाने के साथ कुछ करे। साथ ही ये बोलना कि नहीं तुझे मिल रहा है, आप उसके उस स्टेट का जवाब दे रहे हो। अब ये उसे और इंपेशेंट कर देगी कि, क्योंकि उसे नहीं पता है कि क्या बोल रहे हो आप, उन शब्दों का मतलब क्या है, ये उसे और इंपेशेंट कर देगी कि कब देगा तू और मेरे क्या करने पे देगा। तो वो नहीं चाहिए हमें। चुपचाप उसकी तरफ बिना देखे अपना खाना खाओ हमेशा। कभी भी जब आप खाना खा रहे हो अपने खाने से उसे कुछ मत दो खाने के लिए, क्योंकि शेयरिंग, जो पैक लीडर है वो शेयरिंग नहीं करता। जो पैक लीडर है वो पहले अपना जितना उसे खाना होता है वो खा लेता है। इन नेचर वुल्फ्स के केस में, जो डॉग नेचुरली रहते हैं उनके केस में बता रहा हूं, ये देखो इसे, राइट? जो पैक लीडर है वो पहले अपना खाना खत्म कर लेता है और फिर वो चला जाता है कहीं और को, फिर बाकी जो डॉग्स होते हैं वो आपस में आते हैं। जो एक पैक लीडर के सिवाय, एक ग्रुप में जो पैक लीडर होता है उसके सिवाय जितने भी डॉग्स हैं उसके ग्रुप में, वो खाना शेयर करते हैं। पैक लीडर किसी के साथ खाना शेयर नहीं करता, क्योंकि इट्स ये उनका तरीका है, राइट? कुछ कहानियां मैं नहीं बना रहा हूं, ये वैसे ही चलते हैं। मैं अभी लैंटर में जाके ऊपर छत पे इसका बोल लेके आया हूं, फिर भी ये नहीं खाएगा, क्योंकि जानता है कि ये खाना मेरा है। लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा टाइम तक के लिए रुकूंगा तो फिर ये खा लेगा, क्योंकि जब इंचार्ज चला गया तो ये खाने को ले सकते हैं। आपका डॉग इंपेशेंट होता है खाने के लिए, तो खाने को बोल लेके यहाँ पे रख दो। उसके बाद आपको क्या करना है, इस खाने को एक ऐसी जगह पे रखना है जहां पे डॉग फिजिकली ना पहुंच पाए। फॉर एग्जाम्पल हमने रख दिया यहां, एग्जाम्पल से बता रहा हूं, हमने उसी के बोल को, उसी के खाने को एक ऐसी जगह पे रख दिया जहां वो फिजिकली नहीं पहुंच सकता। अब आपको वेट करना है तब तक जब तक आपका डॉग इस स्टेट पे ना चला जाए, इस स्टेट पे। कोई उसे सिट डाउन स्टे नहीं सिखाना है, कोई उसे ले डाउन वगैरह नहीं बोलना है, ऑटोमेटिकली एक ऐसी स्टेट जहां पे वो सो जाए, इतना ज्यादा वेट करना है। और वेट कैसे करना है, खाने का बोल आपने यहां पे रखा, बैठ जाओ और वेट करो। वेट करने के लिए ये जरूरी है कि आप उसकी आंखों में आंखें डाल के नहीं देख रहे हो,
क्योंकि ये फिर ऐसा हो जाता है कि आप उससे कुछ बोलना चाह रहे हो या चाहते हो कि वो कुछ करे, हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो सिंपली वेट करे। तो उसकी तरफ नहीं देखना है ना उससे कोई बातचीत करनी है, उसके खाने का बोल यहाँ पे सिंपली वेट करो। पहली बार जब आप ये करोगे, और अगर बहुत ज़्यादा आपका डॉग चीखता है, पहली बार अगर आप ये करोगे तो टाइम लगेगा, टाइम लगाना है तब तक जब तक डॉग सो नहीं जाता वेट करता करता या चीखता चिल्लाने से थक के सो नहीं जाता। वो सोने का मतलब ये है कि वो कंप्लीटली थक चुका है और अब वो आपको, मतलब उसका खाने की तरफ ध्यान नहीं है तो वो सो गया। जब वो सो जाए, एक दो मिनट रुको, उसके बाद आंखें बंद है, आराम से वो सो गया है, चीख चिल्ला के थक के, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, यस नो उसे कुछ नहीं बोलना है, वो सो गया, एक दो मिनट का वेट करके उसके खाने का बोल लो और उसे दे दो। कहाँ रखूं मैं ताकि कैमरे में दिखे, दे दो उसे। इस तरह से जब आप करोगे, पहले में टाइम लग सकता है, 10 मिनट तक लग सकते हैं, आपको आराम से वेट करना है, फोन चलाते रहो राइट उस टाइम तक। डॉग ऐसा ना हो कि इधर उधर घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, उछलने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेट करो, उसे ऐसे करके पीछे भेजो, टोटल रिलैक्सेशन चाहिए, उसके बाद उसे खाना देना है, यही मैं बताना चाहता था आपको। कोको देखो अच्छे से वेट कर रहा है बिना मेरे कुछ बोले, यह है डॉग वेस। जा खा ले, जा जाओ खा, जाओ आप कहीं दो। तो इस तरह से जब आप अपने डॉग को सिखाते हो तो आप कंट्रोल में हो, आप इंचार्ज हो, वो जनरली आपकी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि रिस्पेक्ट ट्रेनिंग से नहीं आएगी, सिट डाउन स्टे से। उसके लिए आपको एक तरह से रहना होता है, पागलों वाली बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी उसके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, अगर आप वो उल्टी सीधी हरकतें करते हो और आपको एक सही जोन पे रहना है, वहां पे आप, मतलब मैं वैसा कंटेंट वहां पे डालना शुरू कर रहा हूं अब से। बाय बाय।